नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज के पाठ का शीर्षक है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और इस पाठ का उद्देश्य है लिंग की पहचान करवाना। बच्चों, आज हम छवि के घर पर जाएंगे। छवि ग्रेड दो की एक छात्रा है। उसके यहाँ एक उत्सव है। उत्सव यानी सेलिब्रेशन। तो चलिए मेरे साथ। अब वह एक बड़ी बहन है। उसके घर में एक नन्हा मेहमान आया है। छवि की माँ को एक छोटा और प्यारा सा मुन्ना हुआ है। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। छवि की चाची ने मुन्ने का नाम विवान रखा है। छवि के दादाजी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। छवि के पिताजी सभी को मिठाइयां परोस रहे हैं। उसकी माँ मुन्ने को सुला रही है। अब छवि का एक छोटा भाई है। कितनी खुशी की बात है। इन शब्दों को ध्यान से देखिए। छवि, छात्रा, बहन, माँ, मुन्ना, दादा, पिता, भाई। बच्चों, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग यानी लड़की या फेमिने, जैसे कि छवि, छात्रा, बहन, माँ, ये सब लड़कियां हैं। बच्चों, ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग यानी लड़का या मास्कुलिन, मुन्ना दादा, पिता, भाई, ये सब लड़के हैं। लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, पुरुष, स्त्री, पुरुष, स्त्री, माता, पिता, माता, पिता, बेटा, बेटी, बेटा, बेटी, भाई, बहन, भाई, बहन, दादी, दादा, दादी, दादा, चाचा, चाची, चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, छात्र, छात्रा, अध्यापिका, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, दूल्हा, दुल्हन, दूल्हा, दुल्हन। बच्चों, अब हम एक गीत सुनेंगे। तो ध्यान से गीत को सुनिए। अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। तो ध्यान से प्रश्नों को पढ़िए और सही जवाब चुनिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें
पुल्लिंग शब्दों को अपने सही स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाना है। क्या करना है? पुल्लिंग शब्दों को अपने स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाना है। यहां देखिए, लड़का, लड़की, पिता, माता, भाई, बहन। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर हमें पुल्लिंग शब्दों को अपने सही स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाना है। चलिए पुल्लिंग शब्दों को अपने स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाइए। छात्र, छात्रा, दादा, दादी, अध्यापक, अध्यापिका। बहुत अच्छा बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मास्कुलिन और स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। लड़का, लड़की। तो चलिए बहन जी आपको आपका गृह कार्य दे रही है, जल्दी से नोट कीजिए। आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। आज की कविता। बेटा अंश है तो बेटी वंश है। बेटा आन है तो बेटी शान है। हमें बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों एक समान हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।